बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बजट डिस्कशन में मुझे बोलने का मौका दिया। सर्वप्रथम सिक्किम और सिक्किम के जनता के ओर से वित्त मंत्री जी को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मैं इस बजट को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ये बजट विशेष करके युवाओं को सक्षम और सशक्त बनाने का बजट है और इसके संकल्प के साथ, भारत को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ इस बजट को पेश किया गया है। और हमें बहुत खुशी है कि इस सत्र में, इस बजट में युवाओं को सशक्त बनाने के लिए और ज़्यादा एम्प्लॉयबल बनाने के लिए यहाँ पे बजट में प्रावधान किया गया है। ये बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन जो भी हो, देर से ही हुआ, फिर भी आज हमारे युवाओं को सक्षम बनाने के लिए स्किलिंग और स्किल डेवलपमेंट को इस बजट में बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस दिया है। हम जैसे युवा लोग कई सारे, जो 50% से ज़्यादा इस देश का आबादी युवाओं का है, यहाँ पे केवल अनएम्प्लॉयमेंट, सारे स्टेट्स में अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज है, इसको आगे ले आकर बजट में समावेश करना, ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग बजट हमें लगता है। तो हम इसको समर्थन भी करते हैं और इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए सारे पार्टियां अक्रॉस द पार्टी लाइन हमको एक साथ होकर युवाओं को सक्षम बनाना ज़रूरी है। यहाँ पे बजट में कहा गया है कि 1 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप दिया जाएगा, जिसका प्रावधान बजट में किया गया है। लेकिन अक्सर ये हुआ है सभापति महोदया कि जब इंटर्नशिप दिया जाता है या तो फिर कोई बड़े कंपनी में स्किलिंग के लिए लिया जाता है, तो ये बड़े बड़े शहरों में जो होता है और बड़े बड़े शहर के नज़दीक के गांवों को ही ये मौका मिलता है। जैसे सिक्किम दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर दूर है, जहां का लोगों को ये इंटर्नशिप का मौका ज़्यादातर नहीं मिलता। तो हम ये भी निवेदन करते हैं कि वित्त मंत्री जी को कि इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी मशीनरीज है और जितने भी इंस्टीट्यूशंस है, उसको भी साथ में लेके इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उस गांव में बैठे हुए एक युवा को भी मौका मिले कि एक बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करे और उसके बाद उस कंपनी में उसको भी नौकरी करने का मौका मिले। और स्किलिंग की जहां तक बात है, तो स्किलिंग अभी आके हम जब ग्रेजुएट हो चुके हैं, जब लोगों ने BA, BSc, MA सब कर चुके हैं, उसके बाद हम उनको स्किलिंग करने की बात सोच रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर विकसित भारत बनाना है तो हमें सोचनी चाहिए कि ये स्किलिंग स्कूल लेवल से ही और स्कूल करिकुलम से ही शुरू होना चाहिए, ताकि जब वो अपना डिग्री ख़त्म करे तब तक उसको एक एक्स्ट्रा स्किल भी मिले और उसको काम में जाने का और कहीं पे भी काम करने के लिए उसको एक्स्ट्रा उसको सक्षम बना सके। तो यहाँ पे बजट में एक बहुत ही विजनरी चीज़ को लाया गया है, नेचुरल फार्मिंग। आपको तो पता है सभापति महोदय कि सिक्किम ने नेचुरल फार्मिंग बहुत पहले से ही प्रैक्टिस करके आए हैं और हम इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त हमारा एक्सपीरियंस भी रहा है और इसको रिसर्च पेपर्स ने भी पुष्टि किया है कि जब नेचुरल फार्मिंग में हम शिफ्ट करते हैं तो उस टाइम में प्रोडक्शन 37% से लेकर 50-60% तक कम हो जाता है। तो इस समय में जब हम नेचुरल फार्मिंग में शिफ्ट करने की सोच रहे हैं, तो हम फार्मर्स को बहुत ज़्यादा इंसेंटिवाइज करना ज़रूरी होता है, उसको इंसेंटिव्स देना ज़रूरी होता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को हम इनकरेज कर सके कि वो नेचुरल फार्मिंग की तरह जाए, नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस करें। सिक्किम में ऐसा हुआ कि नेचुरल फार्मिंग को ज़बरदस्ती वहाँ पर इम्प्लीमेंट किया गया। उस टाइम में क्या हुआ, जिस तरह से नेचुरल फार्मिंग में प्रोडक्शन कम हो गया कि फार्मर्स ने अपना फार्मिंग ही बहुत सारे फार्मर्स ने छोड़ दिया। अभी हमारे सरकार आने के बाद हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग की प्रोडक्शन को बढ़ाएं और बाहर एक्सपोर्ट करने की भी सुविधाएं इसमें प्रावधान होना चाहिए नेचुरल फार्मिंग इनकरेज करने के लिए। और बायो फर्टिलाइजर्स और ऑर्गेनिक मैन्योर बनाने का, जो मैं तो केमिकल और फर्टिलाइजर स्टैंडिंग कमेटी में 4 साल रहा हूँ मैडम, 4 साल में कभी भी बायो फर्टिलाइज़र और ऑर्गेनिक मैन्योर के विषय में ज़्यादा
कभी भी डिस्कशन नहीं हुआ। वहाँ पे डिस्कशन होता है, जितने भी इंसेंटिव्स वो फर्टिलाइजर में दिया जाता है इसके विषय में डिस्कशन होता है, लेकिन बायो मैन्योर उसको प्रोक्योर करने का कभी डिस्कशन ठीक से नहीं हुआ है। इसको भी आगे ले आना चाहिए ताकि जो भी फार्मर नेचुरल फार्मिंग करना चाहते हैं उनको भी इसका सुविधा मिलना चाहिए। हम वित्त मंत्री जी को, सिक्किम को और से बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने टिस्टा फ्लॉट के मैम दो ही पॉइंट है उसे खत्म करने के बाद मैं कंक्लूड कर दूंगा। दो ही पॉइंट है, एक टिस्टा फ्लॉट जो सिक्किम में लास्ट 2023 में हुआ उसके लिए हमें असिस्टेंस दिया जाएगा, ये बजट में बताया गया है और हम बहुत ही खुश हैं। सिक्किम सरकार प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन ये ग्लफ का खतरा यहाँ तक ही नहीं है, सिक्किम में और एंटायर हिमालयस में इतना ज़्यादा ग्लेशियल लेक्स है कि वो अभी खतरे, वो क्लाइमेट चेंज के वजह से जिस तरह से ग्लेशियर डिप्लीट हो रहा है कि वो ग्लेशियर लेक्स का आकार अभी बढ़ता जा रहा है और वो डेंजर होता जा रहा है। इसलिए सिक्किम में भी 300 से ज़्यादा ग्लेशियर लेक्स है जिसमें 16 से ज़्यादा अभी डेंजरस हो चुका है। तो इसके मिटिगेशन के लिए हम सिक्किम के ओर से हम इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि सिक्किम में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल सेंटर फॉर ग्लेशियोलॉजी बनाया जाए जहां पे मिटिगेशन के लिए भी काम किया जाए। इसी के साथ हम प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए यहीं पर कंक्लूड करते हैं। थैंक यू सो मच। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद।